जहां सब कुछ इतना एडवांस डिजाइन किया गया था, वहीं गोलकोंडा फोर्ट में एंटरटेनमेंट भी नेक्स्ट लेवल एडवांस था। लेकिन एंटरटेनमेंट किसकी जिम्मेदारी थी? तारामती और प्रेमामती दो बहनें थीं और दे यूज्ड टू सिंग एंड डांस। ये माना जाता है कि जो कुतुबशाही रूलर्स में एक रूलर जिसका नाम अब्दुल्ला कुतुब शाह है, उसका कोई प्रेम प्रसंग था तारामती के साथ में। इंटरेस्टिंग, समझना पड़ेगा इसे डेप्थ में, जानना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट चेंबर कहाँ था, अकूस्टिक से परफॉर्मेंस को क्या हेल्प मिलती थी और परफॉर्मेंस कहाँ होती थी। अनफॉर्चुनेटली गोलकुंडा में हमारे पास जो आज की तारीख में स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता है जहाँ पर हम कह सके दिस कुड बी द परफॉर्मेंस एरिया। लेकिन जो उस समय का सिस्टम है वो डेफिनेटली ये कहता है कि उस समय कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस के लिए जगह होगी। किदवंतियाँ ये भी कहती हैं कि जो तारामती की बारद्वारी है, जो तारामती जहाँ पे रहती थी, उसका कनेक्शन साउंड के थ्रू अब्दुल्ला कुतुब शाह जो गोलकुंडा के अंदर बारद्वारी में रहता था उसके बीच में तय होता है। और वो अलग जगह सिर्फ रिहाइश ही नहीं है, इट वॉज अ डबल अप एज अ परफॉर्मेंस सेंटर ऑल्सो। हम यहाँ के आर्किटेक्चरल अकूस्टिक सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं डिजाइन किया गया था बल्कि और भी चीजों में इस्तेमाल होता था, जैसे एंटरटेनमेंट, और यहाँ परफॉर्म करती थी तारामती और प्रेमामती। और ये लिखा गया है कि दोनों अब्दुल्ला कुतुब शाह के पसंदीदा ख्वातीन थे। उस जमाने में उनको जो है खवास कहते थे, खास जो थे, नूर नजर कहते हैं उर्दू में, कि जिन पे नजर पड़ गई बादशाह की और खास वो पसंद करने लगे, तो पसंदीदा लोगों में से थी वो। तारामती की क्लोजनेस इस बात से भी साबित होती है, जो तारामती जहाँ पे रहती थी उसका कनेक्शन साउंड के थ्रू अब्दुल्ला कुतुब शाह जो गोलकुंडा के अंदर बारद्वारी में रहता था उसके बीच में तय होता है। लेजेंड्स कहते हैं कि तारामती वहाँ दूर तारामती बारादरी में परफॉर्म करती थी और सुल्तान यहाँ बैठकर उन्हें सुना करते थे। इतनी दूर से यहाँ साउंड कैसे सुनाई देती होगी? फोर्ट से तारामती बारादरी का एरियल डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा ही है, तो कैसे वहां से साउंड यहाँ क्लियरली सुनाई देती होगी? क्या यहाँ भी वही साउंड का प्रिंसिपल काम कर रहा था जैसा डॉक्टर सुबोध ने बताया था, जिसमें डोम स्ट्रक्चर इंटरफेसिस की तरह काम करते हैं जिसे साउंड ट्रैवल करती है? ये जो इंटरफेस है ये साउंड को कैच करते हैं एंड दे हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ साउंड को ध्यान में रखकर ये जांचने की कोशिश करें कि तारामती बारादवारी और गोलकुंडा के बीच में कितने इंटरफेस होंगे, तो मेरा अनुमान ये कहता है कि नॉट मोर देन 3। तो अगर तारामती बारादवारी से साउंड निकलती है तो वो दूसरे पॉइंट तक 1 सेकंड में, उसके बाद के पॉइंट में दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में और चौथे सेकंड में वो गोलकुंडा पहुंच सकती है। हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि जो इंटरफेस का जो एविडेंस है वो आज मौजूद नहीं है। तो मान लेते हैं तारामती बारादरी से गोलकुंडा साउंड ट्रांसमिट होती थी, पर एक बात समझ नहीं आई, सुल्तान तारामती का परफॉर्मेंस अपने चेंबर में बैठ के सुन और देख सकते थे, फिर वहां इतनी दूर से सुनने की क्या जरूरत थी? अगर रूलर उसको ऐसी जगह रख रहा है जहां पर उसके परफॉर्मेंस की एंजॉयमेंट और उसके साउंड को सुनने की ताकत अगर सिर्फ रूलर के पास होगी, देन शी कैनॉट बी एक्सपोज टू ऑल। जो तारामती बारद्वारी में बैठी है और उसको सिंपल बात करनी है अब्दुल्ला कुतुब शाह से, वो वहीं पे बैठ के बोलेगी और वही आवाज अब्दुल्ला कुतुब शाह तक पहुंचेगी और वापस में वही जवाब अब्दुल्ला कुतुब शाह का उसी माध्यम से जाएगा जो दोनों के बीच में एक संवाद पैदा करेगा। तो ये सिर्फ एक म्यूजिक नहीं है, ये कम्युनिकेशन है।
Fantabulous! हमारे ancient technicians के लिए कुछ भी करना possible था. I'm sure हमारे modern sound equipment और sound designers ने इन structures से inspiration जरूर ली होगी. Golconda hunt was exciting. यहाँ मुझे पता चली water supply technology, architectural acoustics, defense mechanism और सबसे amazing open air acoustic technology. Salute to Qutub Shahi dynasty for constructing such a futuristic fort in medieval India. Good news, hunt accomplished. And bad news, मुझे यहाँ पे एक भी diamond नहीं मिला. मैंने सोचा था एक आठ diamond मिल जाता, मैं उसका नाम रखता मनीष नूर और फिर उसे फेंक देता. अरे भाई, जब मिला ही नहीं तो कुछ भी बोलने में क्या जाता है. On that PJ, this is your real diamond Maniesh Paul signing off on History Hunter. And one more thing, don't be a elephant hunter, be a History Hunter.